जब मेरी आँख खुली तो मुझे देखने को मिला कि जो खाम नदी है वहाँ ड्रेनेज छोड़ा जा रहा है, जो कमल तालाब मैं बचपन में देखा करता था वह कचरा डाला जा रहा है, जो नहरी अंबरी इतना अच्छा स्वच्छ पानी दे रही थी वो जगह जगह पे तोड़ दी गई है। तो इसलिए फिर कुछ दोस्तों के साथ, मेरे भाई अत्यदीप और रोहित के साथ हमने मिलकर काम शुरू किया और हमने इकोनिट्स फाउंडेशन नाम की संस्था बना दी जो कि पर्यावरण और सामाजिक सुधार के लिए काम करती है। हमने उसके बाद गोदावरी नदी के ऊपर कॉलेज में ही फाइनल ईयर में 2003 में गोदावरी रिवर के ऊपर रिसर्च किया और लगभग 250 किलोमीटर का गोदावरी का जो परिसर है वो किस तरीके से गंदा हो रहा है और उसके कौन से पैरामीटर है वो हमने स्टडी किया। उसके बाद हमारे टीम के जरिए मेरे गांव में हम जाके पानलोट क्षेत्र विकास वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में लोगों को बताया इसका क्या महत्व है। उसके साथ साथ औरंगाबाद शहर में जो कमल तालाब था उस कमल तालाब को बचाने के लिए हम प्रशासन के पास गए और प्रशासन को कहा गया कचरा डाला जा रहा है, तालाब खत्म हो रहा है और इसको बचाने के लिए आप कोशिश। अरे वासलाच पाहिजे, वासलाच पाहिजे, पानी के जंग में हम जम जाएंगे, पानी के जंग में। उसके बाद फिर हमने औरंगाबाद जल स्रोत बचाओ अभियान शुरू किया। औरंगाबाद ये मराठवाड़ा की राजधानी है, मराठवाड़ा आज सूखा प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है मगर इस शहर को देखा जाए तो ये एक पानीदार शहर है। इस तालाब के, इस शहर के अंदर दो नदियां हैं, खाम नदी सुखना नदी। इस शहर के अंदर कमल तालाब है, उसके साथ साथ सलीम अली सरोवर है, उसके साथ साथ हरसुल लेक है, उसके साथ साथ सांगी लेक है और उसके साथ साथ सिड़को एनेट में भी एक लेक है और 12 नहरें ये शहर में है। इतना पानीदार शहर होने के बावजूद भी ये शहर आज पानी के लिए तरस रहा है और इसको फिर से पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, ये हम तब समझ गए। और फिर एक के बाद एक हम जन आंदोलन और अभियान छेड़ते गए और उसी में हमने खाम नदी स्वच्छता अभियान शुरू किया और खाम नदी संकल्प यात्रा निकाली गई। इस खाम नदी संकल्प यात्रा का हमारा उद्देश्य था कि लोगों को जो खत्म हुई खाम नदी है, जिसको लोग नाला मान रहे थे उसको फिर से माना जाए या नदी थी। औरंगाबाद शहर में जो खाम नदी है वो तकरीबन कई वर्षों के पहले वो बहुत अच्छी बहती थी और उसका पानी पूरे औरंगाबाद शहर में यूज़ होता था। वो ड्रेनेज लाइन की वजह से या कुछ लोगों ने कुछ अतिक्रमण करने से या उसमें कचरा डालने की वजह से जो भी कुछ उसमें खराबी हो गई थी, तो हमारे इकोनिट्स फाउंडेशन के जरिए उसको हमने कई बार साफ करने का प्रयास किया। जो भी उसमें कई लोगों ने उसमें अतिक्रमण किया था वो अतिक्रमण हमने प्रशासन के नज़र में लाके दिया और तब कुणाल कुमार जी कलेक्टर थे, उन्होंने इस नदी के ऊपर जो अतिक्रमण था वो अतिक्रमण निकालने का काम किया। उसके साथ साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी उनके JCB दिए और उस नदी को क्लीनिंग करने का काम हुआ। इस अभियान में डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीना साहब, जबकि तो वो तब औरंगाबाद में आयकर आयुक्त थे, वो भी हमारे साथ इसमें जुड़ गए और इस अभियान को हमने चलाया और आज खाम नदी साफ सुथरी हो रही है। आज खाम नदी में ड्रेनेज लाइन डालने का काम भी हो गया है। औरंगाबाद जल स्रोत बचाओ अभियान में हमने कमल तालाब जो है कमल तालाब के ऊपर भी काम शुरू किया था और सन 9-10 की बात है जब यहाँ एक सिटी इंजीनियर मस्के साहब बोल के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आए थे तो हमने उनको रिक्वेस्ट की वो तालाब के लिए और उन्होंने इस तालाब के अंदर जो भी झाड़ियाँ और जो भी कचरा था उसको साफ किया। उसके बाद फिर यहाँ एक महाजन बोल के मनपा आयुक्त आए, हमने उनसे भी चर्चा की और इस तालाब को उस तरीके से फिर पुनर्जीवित किया गया। औरंगाबाद शहर की सुंदरता बढ़ाने में सलीम अली सरोवर का बहुत बड़ा योगदान है और सलीम अली सरोवर में हर दिन 3 MLD
यानी कि 30 लाख लीटर सीवेज का पानी छोड़ा जा रहा था। तब के जो विभागीय आयुक्त थे दिलीप बंड साहब, उनको मिले, उनको रिप्रेजेंटेशन किया इस बारे में, और उसके बाद फिर इसका इस तालाब का डिसिल्टेशन किया गया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का जो भी काम है वो काम मैंने श्री प्रियानंद आगड़े जी से ही सीखा है, उनसे ही मैंने प्रेरणा ली है। ये जो है सलीम अली सरोवर है, ये इतना हर जगह से सुंदर है, लेकिन ये सुंदर जगह को औरंगाबाद के ही लोगों ने और प्रशासन ने यहाँ पे सब ड्रेनेज का पानी इसमें ये इसको कंटेनमेंट कर रहे थे, और ये सब प्रदूषण इतना ही बढ़ गया था, तो हमें ऐसा लगा कि इसका प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। इस रिप्रेजेंटेशंस देके, ह्यूमन चेन करके, हमने सिग्नेचर कैंपेन करके, ऐसा सब संगठन करके हमने बहुत कोशिश की, इसलिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी, और उसके बाद फिर माननीय हाईकोर्ट औरंगाबाद में इस विषय को लेके गए कि किस तरीके से यहाँ सीवरेज का पानी छोड़ा जा रहा है, और उसके बाद यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देख के भी हमें संतुष्टि हो रही है। इस तालाब के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक ऐसा प्रपोजल था कि यहाँ एक फूड मॉल तालाब के अंदर बनाया जाए और तालाब के पेरीफेरी में एक मॉर्निंग वॉक ट्रैक बनाया जाए। तब के म्युनिसिपल आयुक्त तो वैद्य साहब थे, हम उनको मिले और वो उन्होंने हमको खुद लेके सलीम अली सरोवर पे लेके आए और उनका प्लान बताया। हमने उनको कहा कि यह फूड प्लाजा तालाब के अंदर बनाएंगे और तो ये पूरा गंदा हो जाएगा तालाब, उसके साथ साथ मॉर्निंग वॉक ट्रैक बनाएंगे तो इसका एरिया कम हो जाएगा और ये तालाब की जो नैसर्गिक धरोहर है इसको क्षति पहुंचाएगा। तो हमारी इस गुजारिश को वैद्य साहब ने सुना और समझ लिया और उन्होंने वो प्रपोजल भी कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से हमने सलीम अली सरोवर को बचाने के लिए भी काम किया। उसी तरीके से NR छिड़को औरंगाबाद में नेहरू उद्यान में एक तालाब है, और ये तालाब इसमें जो सिल्ट थी वो पूरा सिल्ट जमा हो गया था, ये दुरावस्था में था, और उसी बात को हमने समझा था तत्कालीन जो महापौर थे विजया राटकर मैडम और यहाँ के जो सिटी इंजीनियर थे मस्के साहब, उनके साथ हमने इस विषय में चर्चा की, इस समस्या उनके जहन में हमने ला की दिए, और इस समस्या के निराकरण के लिए हमने खुद इकोनिट्स फाउंडेशन, हमारे सब कार्यकर्ता, सब हम मिलके इस तालाब की हमने स्वच्छता की थी। बाकी का जो पूरा जो मलबा जमा होता था हमने सब ने श्रमदान करके हफ्ता भर हमने वो जो पूरा सिल्ट था वो निकालने का काम किया, और हमको बाद में प्रशासन ने भी इसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके उन्होंने भी आगे इसके लिए काम किया। और उसी तरह एक यहाँ पर ऐसी योजना थी कि ये जो तालाब है इसमें बोटिंग किए जाए, और बोटिंग के लिए जो नीचे की जो सतह है तालाब की वो सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाए, लेकिन उसके वजह से क्या होने वाला था कि ये जो पानी जो अंतर्गत भूमिगत स्रोत था पानी का इस तालाब के लिए वो पूरा बंद होने वाला था, और ये तालाब पूरा उसका जो नैसर्गिक जो स्वरूप है ये खोने वाला था। इसके लिए हमने तत्कालीन जो प्रशासन के अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनसे मिलके इसकी चर्चा करके ये बात अहमियत इस तालाब की समझा के देखे, वो जो योजना थी वो रद्द करके लिए थे, और उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि ये जो तालाब है एक अच्छे से ढंग से आज अपने सामने खड़ा है। उसको प्रशासन ने कूड़ा कचरा ना जाए इसलिए तार की फेंसिंग भी कर ली है, यहाँ की जो पूरी इकोलॉजी है, बायोस्फीयर है, वो ठीक से मेंटेन है। उसी तरह हमारे औरंगाबाद जल स्रोत अभियान में हमने जो औरंगाबाद की जो प्राचीन आइडेंटिटी है, औरंगाबाद की नहर, उस प्राचीन आइडेंटिटी नहर सिस्टम, ये पूरे भारत देश में औरंगाबाद उसके लिए जाना जाता है, और वो जो नहर सिस्टम है उसे आज जो अपनी विकास की जो गतिविधियां चालू है, बांधकाम की जो गतिविधियां चालू है, रोड बनाना, ये जो भी मानवीय गतिविधियां चालू है उसके वजह से बहुत सी क्षति पहुँच रही थी, और उसी का एक भाग बोल के यहाँ एक हरसूल, औरंगाबाद का जो एरिया है हरसूल, वहाँ से तो अजंता और आगे जलगांव के लिए एक हाईवे बन रहा था, और उस हाईवे में हाईवे के नीचे से, सरफेस के नीचे से पूरी वो नहर की पाइपलाइन जा रही थी, पुरानी ऐतिहासिक पाइपलाइन जा रही थी, और वो रोड के काम की वजह से उसको भी क्षति पहुँचने वाली थी, उसको नुकसान पहुँचने वाला था, और वो ब्रेक होकर वो पूरी नहर सिस्टम ही जो पर्टिकुलर थी वो ब्रेक होने वाली थी, नष्ट होने वाली थी, इसलिए हमने उसके लिए भी बहुत आंदोलन किया। जो उस परिसर के नागरिक है उनमें जन जागृति किए,
और प्रशासन को भी उसके लिए पूरा ड्राफ्ट लिख के दिए कहाँ से ये जा रही है, रोड की जो अलाइनमेंट है वो बदलो, ये भी प्रशासन के लिए, प्रशासन को हमने उसके लिए अर्जी की है और प्रशासन ने उसकी अच्छे से दखल लेके नहर अंबरी को बचाने के लिए भी हमने काम किया और हमने रोबो विकसित किए, कहा ये बंद हुई है, इसको किस तरीके से चालू किया जा सकता है, इसके अंदर क्या है, ये सब जानने के लिए हमने रोबो का विकास किया है। औरंगाबाद शहर के पूरब में सुखना नदी बहती है और उस सुखना नदी में इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ा जा रहा था, तो हमने उस बाहर रहने वाले लोगों को इसके बारे में बताया, उनके खेती को किस तरीके से इसका नुकसान हो रहा है वो भी समझाया और वहाँ हफ्ते में एक बार जाके सुखना क्लीनिंग ड्राइव चलाया और सुखना क्लीनिंग ड्राइव जनता का सहभाग उसमें बढ़ा, लोक सहभाग बढ़ा और उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के डिस्चार्ज के कारण जो किसान परेशान थे उनकी खेतियाँ ख़त्म हो रही थी, उन्होंने आंदोलन किया और फिर सुकना में भी ड्रेनेज लाइन डाली गई और जो भी इंडस्ट्रियल वाटर था वो इंडस्ट्रियल वाटर वहाँ से कैरी करके झालटा में लेके उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने का काम शुरू हुआ। तो इस तरीके से हमें सुकना में भी नतीजे आए। मेरा जो खुद का गांव परसोड़ा था जहाँ से मैं बड़ा हुआ, जिस गांव के पर्यावरण ने, जिस गाँव की कुदरत ने, जिस गाँव की मेरी बुआ के प्यार ने मुझे कुदरत को देखने का नज़रिया बदल दिया मेरा, उस गांव की हालत भी ख़राब हुई थी, वो विकास से टूट गया था, पानी के लिए तरस रहा था, तो मैंने उस गांव के लिए भी काम शुरू किया। उस गांव के अंदर आदर्श गांव योजना हमने कार्यान्वित की और उस गांव में सर्वप्रथम हमने जो बहने वाली बोर नदी थी तो उसको हमने चौड़ा किया, गहरा किया। डेप्थ बढ़ा ही नहीं बल्कि हमने वो नदी के ऊपर बंधारे भी बनाए हैं, जो बंधारे आज पानी एक जगह पे रुका के रखते हैं और वो पानी एक जगह पर रुका के रखने के वजह से पानी का पूरा हार्वेस्टिंग होता है, ज़मीन में परकुलेशन होता है, इस वजह से ज़मीन की पानी की जो लेवल है वो आज ऊपर आ चुकी है। परसोड़ा गाँव में आज पानी की कोई कमतरता और दिक्कत नहीं है, हर घर में नल है, तो ऐसे अगर कार्य हम करते रहे तो हर गांव की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी और लोगों के जन सहयोग के साथ वहाँ जल संधारण को मजबूत करने का काम हुआ। तो बोर नदी के साथ साथ रतन उड़ा था वहाँ जो स्ट्रीम था उसको भी कंजर्व करने का काम हुआ। जैसे कि हम वहाँ एक ब्रिज बना रहे थे तो ब्रिज को मैंने एक अलग तरीके की डिज़ाइन दी, उसको जो पाइप्स कलवट डिज़ाइन किया और पाइप कलवट की ऊंचाई 5 फीट ली गई तो 5 फीट तक नदी में पानी भरता गया तो पुल का पुल भी बन गया और नदी में वाटर कंजर्वेशन भी होने लगा। तो इस तरीके से गांव में भूजल स्तर बढ़ा। सरकार की जल स्वराज योजना चलती थी, जल स्वराज के जरिए गांव में पानी की टंकियां बनी और घर घर में नल आए। CSR के तहत हमने RO फिल्टर प्लांट बना दिया और गांव में आज प्यूरिफाइड वाटर लोगों को पीने के लिए मिल रहा है, हर घर में नल है। जो गांव पानी के लिए तरस रहा था आज वह घर घर में नल है। या नदी जी गाळ होतं ते सिमेंट बंधाऱ्यातलं गाळ सगळं या ठिकाणचं काढण्यात आलेलं आहे आणि थोडासा पाऊस पडला आणि ते पाणी खाली वाहून न जाता पूर्ण नदीत साठवलेला। ही योजना जी चालू केलेली आहे आगळे साहेबांच्या मदतीने आणि गावकऱ्यांच्या मदतीने, विशेष करून महिलांनी उत्स्फूर्त त्याच्यात सहभाग घेतलेला आहे, तर असंच जरा पुढे कामं होत गेली तर सिंचनाचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागे। खाम नदी आंदोलन में जो डॉक्टर सत्यपाल मीना साहब जो आयकर आयुक्त थे वो तब हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि जिस प्रदेश से, जिस लोगों से बढ़कर मैं आज इतना बड़ा ऑफिसर बना हूँ उनके लिए कुछ करना है, तो आप मेरे साथ हमारे धौलपुर के पिछड़े इलाके में चलिए और हम भी बाहर विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। और उनकी ये जो गुजारिश थी
वो मुझे अच्छी लगी और फिर हम दोनों ने धौलपुर में काम शुरू किया और उनका जो धनोरा गांव है उनको देश का पहला स्मार्ट विलेज बनाने का हमने ठान लिया। डॉक्टर सत्यपाल मीना साहब एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, युवाओं के प्रेरणा स्थान है और समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि अपनी पद और प्रतिष्ठा से बढ़कर समाज के लिए काम करें। उसको माननीय पंतप्रधान ने देश का पहला मॉडल विलेज बोल के सम्मानित किया। सबसे पहले स्मार्ट विलेज धनोरा, जोरदार तालियों से इनका। राजस्थान के इस छोटे से गांव में आप मान के चलिए कि बेसिक फैसिलिटी तक नहीं थी। सोच बदलो गांव बदलो अभियान के अंतर्गत इससे स्मार्ट विलेज बनाया गया। प्रोफेसर प्रियानंद अगाले की पांच पाथ अप्रोच और गांव वालों के समर्थन से इस सपने को पूरा किया गया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए धनोरा। इस गांव में हमने पानी का जल संरक्षण का एक नया मॉडल विकसित किया, जो मॉडल नदी जोड़ प्रकल्प के तरह ही हमने उसको किया। इस मॉडल में हमने 8 परकोलेशन टैंक बनाए और उसको जोड़ने वाली 12 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी 3 किलोमीटर लंबी एक कैनल बनाई और उसके कारण यह जो है गांव के 80% खेतों में से गुजारती है। गुजरने के कारण 80% खेत सिंचाई में आ जाते हैं। तो इतना बड़ा जल संधारण देश के कोई गांव में हुआ है तो वह है धनोरा गांव। उसके साथ साथ यह जो ड्रेनेज लाइन बिछाई गई है गांव के अंदर, उस ड्रेनेज वाटर के ऊपर सीवरेज के ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करके वहाँ ABGS प्योरीफायर नाम का ट्रीटमेंट प्लांट टेक्नोलॉजी बिठाई, जो कि मेरा PhD का विषय था, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है और वो ट्रीटेड वाटर जो है खेती के लिए हम फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देश के 100 गांवों में सोच बदलो गांव बदलो में यात्रा निकाली और इस 100 गांव में यात्रा में हमने लोगों को सूक्ष्म सिंचन के बारे में बताया, किस तरीके से पानी की बचत करके फसल ले सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी। हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंसेस में हमने पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, रिसर्चर और NGO समाज सेवी, इनको सबको एकत्रित किया और एकत्रित करके ये मैसेज देने का काम किया, क्या पर्यावरण की जो समस्या है पूरे दुनिया को एक होना है। और इस तरीके से हमने एक कॉमन लोगों का प्लेटफॉर्म इको रिवॉल्यूशन के जरिए उपलब्ध करके दिया। इन कॉन्फ्रेंसेस में हमने पर्यावरण के विविध विषयों के ऊपर चर्चा की, चर्चा करके फैसले लिए। औरंगाबाद डिक्लेरेशन फॉर रिवर कंजर्वेशन, कोलंबो डिक्लेरेशन फॉर द स्पिरिचुअल वे ऑफ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पोखरा डिक्लेरेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एट हाई अल्टीट्यूड। दोस्तों, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जहां जहां पानी और मानवता की बात होगी, दुनिया में जहां जहां मानवता और पानी के ऊपर चर्चा होगी, उस चर्चा में आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज का दिन याद रखने वाला दिन है, क्योंकि आज ही का वो दिन है जिस दिन में 20 मार्च 1927 में मानवता के लिए पानी की पहली लड़ाई लड़ी गई। और वो पहली लड़ाई पानी की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रायगढ़ के महाचौदह तालाब से शुरुआत की और तब से पानी और मानवता का क्या रिश्ता होता है ये दुनिया को पता चला। अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा समस्या है पानी का प्रदूषण और पानी की किल्लत, और घर में भी पीने के लिए और दूसरे उपयोग के लिए पानी लाने के लिए हमें हमारी माता भगनियों को 5-5 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उनका पूरा दिन पानी लाने में चला जाता है। और ये जो समस्या है पानी की, उन गरीब लोगों का, उन माता भगनियों का जो मानवाधिकार है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने देश में सभी हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय को उसके पानी का अधिकार मिले, एक कानूनन अधिकार मिले, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। राइट टू वाटर देश के लोगों को मिलना उनका अधिकार है। जिस तरीके से भारत के संविधान में आगे अंदर जीवन का अधिकार है और पानी जीवन है, तो जीवन जीने के लिए पानी लगता है, तो इसलिए
राइट टू वाटर होना जरूरी है। पिछले 20 साल से काम किए, आज उसके नतीजे आते हुए देखकर बहुत संतुष्टि होती है। जिस तरीके से मैंने पीएचडी में डॉक्टर पराग सदगीर सर, जो कि मेरे गुरु है पर्यावरण में, उनके मार्गदर्शन में एबीजेस प्यूरिफायर का निर्माण किया, या ऐसी प्रणालियां हमने ढूंढ के निकाली कि बिना केमिकल बिना इलेक्ट्रिसिटी के डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीट होता है, और इसकी जो कॉस्टिंग है ये अभी तक सबसे चीप मेथड हमने विकसित की, इसका पेटेंट भी हमने फाइल किया है। तो इस तरीके से हम पानी में काम कर रहे हैं। औरंगाबाद जल स्रोत बचाओ अभियान में मेरी परछाई बनकर काम करने वाले रोहित जी थोरात आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी याद हरदम मुझे सताती है, और इस वीडियो के जरिए हम उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।